तो आज हम चूल्हे में केक बनाएंगे। तो फूफू को सिखा रहे हैं हम चूल्हे में केक बनाना। अगर गांव में आपका मन करता है केक खाने का तो कैसे बनाना है? फूफू बाहर बैठी है, ये सब बाहर बैठे हैं सुनो। चले ये बाहर में। अच्छा सोनू ये सब बाहर है, फूफू आएगी अभी। तो ये हमारा चूल्हा वाला किचन है। तो जैसे अगर गांव में आप केक बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? मक्खी आ रही है इसमें। हाँ वो भी आ रहा है भाई, मक्खी भी आ रही है। तो इसमें चूल्हे का केक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? आटा चाहिए, एक और आधी कटोरी आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है 1 चम्मच, हल्का सा गरम दूध है, और चीनी ली है 1 कटोरी फुल, और आधी कटोरी से कम तेल है, 1 कटोरी फुल मलाई है, 1 चम्मच सोडा पाउडर है, बाकी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के हिसाब से जो आपको डालना हो। और ये हमारा, हम यहाँ अभी चूल्हा जलाएंगे। आज हम कुकर में बना रहे हैं। पहले वीडियो में हमने किस में बनाया था? वो कढ़ाई में रेत डाल के, चूल्हे का कुकर है तो बहुत टाइम लगा था उसमें। तो ये केक बना लो। हाँ केक बनाना। अच्छा तो बुआ जी को सिखाएंगे हम केक बनाना। सब सावधान खड़े हो गए। चलो अब ऐसे पकड़ लो। स्टार्ट करा। अच्छा तो अब हम केक बनाएंगे। तो थोड़ा मक्खी, तो 1 कटोरी चीनी डाल दिया है। अब फिर ये गरम दूध है, ये गरम है, हल्का गरम गुनगुना थोड़ा सा डालना, इससे ना चीनी जल्दी मिल जाती है। तो बस अब ऐसे थोड़ा इसको पिघलाना है, फिर वो ठंडा हो जाएगा, बाकी चीज़ें तब डालेंगे। तो चीनी अब घुलने लगी है, तो दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, पूरा एक बारी में नहीं डाला, नहीं तो गीला हो जाएगा ज़्यादा ना। तो अब मम्मी भी आ गई है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। अब बस इसको अब ये होने लगी है, ऐसे काफ़ी मिल जाएगी। अब हम इसमें 1 कटोरी मलाई डाल देंगे वाली। मलाई तो डालनी ही है मलाई, दूध के ऊपर चलती है गाय के। तो वो तो कम बनाएगी ना, 1 कटोरी तो आधा आधा हो जाएगा सामान ना। अब इसको अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते तो अमूल का बटर डाल सकते हो 50 ग्राम, या फिर सफ़ेद बटर। तो अब रिफाइंड ऑयल घर का निकला बटर होता है जो, अभी इतना ही डाला है, बाकी बाद में डालेंगे। अब ये है आटा, इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर है, तो वो धीरे धीरे डालेंगे। यहाँ पे वनीला एसेंस नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इलायची पाउडर डालते हैं। नहीं तो दालचीनी का भी डाल सकते हैं। हाँ आ गई होगी आपकी आवाज़ ना? ना अपनी बोले, मेरी अच्छी नहीं आती। तो अगर चाहो तो फिर दालचीनी का भी पाउडर बना के वो भी डाल सकते हो, तब इलायची पाउडर मत डालना। वही डाल लेते हैं, उसकी खुशबू अच्छी आती है। अब हम इसे धीरे धीरे डाल के अच्छे से घुमा देंगे। ये सब छान रखा है पहले ही आटा। ये लकड़ी की तरह ही बनता है थोड़ा पेस्ट इसका, बस मलाई डल जाती है और तेल। सारा डाल दिया हमने, अब हम इस सबको घुमा देंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा हो जाए बंद कर लें, जैसे अब ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो फिर हम इसमें थोड़ा दूध डाल देंगे।
पहले उसको घोट लो। यहाँ पे मक्खियाँ भी हैं इसलिए मक्खी भी आ रही है दूध के ग्लास पे। तो अब ये इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा ऐसे, इसकी इतना थिक सही है, इतना गाढ़ा सही है। हाँ अभी ना डटल से नहीं घूम रहा सही से, ये घुमाया अभी नहीं जा रहा मुझसे तो। वो भी डाल लेना। अब इसमें हम ये एक चम्मच सोडा है, सोडा पाउडर, वैसे तो बेकिंग पाउडर और सोडा पाउडर डालते हैं पर यहाँ हमें बेकिंग पाउडर नहीं मिला तो हम सिर्फ सोडा पाउडर डाल रहे हैं। एक चम्मच ज़्यादा नहीं हो गया है? अब उसको अच्छे से मिला लेना है, खूब देर, कितने 2-3 मिनट तक इसे घुमाते रहना है। तो ये अब बैटर बन गया है ऐसा दिखेगा। इसमें अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, कोई से भी डाल सकते हो आप। हम थोड़े से किशमिश और बादाम कटे हुए डाल देंगे और फिर इसे मिला देना है अच्छे से। अब ये मिल गया है, अब ऐसा गाढ़ा होना चाहिए। बस सही हुआ। बर्तन अब बंद कर दो। ग्रीस उसी से कर ले, तेल से। तो स्टार्ट हो गया। अब कड़े दाल अच्छा। अब हम इसको इसे ग्रीस करेंगे। तो ग्रीस मतलब केक डालने से पहले थोड़ा लगाना पड़ता है। ये घी लगाया, चिपकता नहीं ऐसे, और फिर इसको घिस दिया। तेल से इतना फायदा नहीं होता। अच्छा तेल या घी, घी लगाना आप, है ना? तो घी ज़्यादा सही रहता है, तेल लगाना चाहो तो देख लेना। मक्खी आ रही है वीडियो में। अब ये थोड़ा सूखा आटा है ये डाल देंगे इसमें ऐसे, और अब इसको ऐसे ऐसे करना है, मतलब फैला देना है इसको, इससे केक चिपकता नहीं है ऐसे। अब इसको मैं पूरे पे अच्छे से फैला लूँगी। अब ये पूरे पे अच्छे से घुमा देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम बैटर डाल सकते हैं। इसमें हमने स्टैंड लगाने के लिए ऐसे 4 लकड़ी लगा दी है। अब इसके ऊपर हम वो रख देंगे जो हमारा बेकिंग डिश है, जिसमें जिसमें हमने केक का बैटर रखा है, वो बर्तन इसके अंदर रख देंगे। अब ये जो हमने केक का बैटर बनाया था पेस्ट, उसको हम इस कटोरे में डाल देंगे। अभी मैं इतना ही देखती हूँ डाल के, और फिर इसको हिला देना है ऐसे से, ऊँचे से दिखा दो। और आ सकते हैं तो और आ देती हूँ। बोरी आ रही है। चलो इतना बस, इतना डाल रहे हैं। छोटा बर्तन है ये तो कुकर में इतना ही जाएगा, इसलिए हम डाल रहे हैं। तो अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये कई बार अंदर भी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं। अब इधर को आ जाओ, अब हम इसको लेके यहाँ जाएंगे, ठीक है? तो ये कुक, ये भी गर्म हो चुका है। अब इसमें स्टैंड था तो इसको अब इसमें डालना है, ये बड़ा, तो इसको ऐसे करके डाल देंगे। गोल घूमता है ये, ऐसे चला गया, ठीक है? आ गया। हाँ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा तो नहीं, सही है सही। चलो डालेंगे, ढक्कन की सीटी नहीं लगानी है, ठीक है? हाँ ये ना पर बंद करना है ना, तो इसको बंद कर देना है ऐसे बस। और फिर थोड़ी देर में चेक करना है, चेक भी करते रहना है क्योंकि अभी पहली बार बना रहे हैं हम भी कुकर में, तो इसको चेक कर लेना है और फिर ऐसे। और आँच का भी बोल दो, और आँच तो अगर मीडियम आँच रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। अगर अंगारे बन जाते हैं पहले खूब सारे तो अंगारों पे भी सही है, थोड़ा सा आग और थोड़ा सा अंगारे तो भी ठीक है। अभी तो ये गर्म ही हो रहा है कुकर, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। धीरे धीरे हम इसकी लकड़ियाँ हटा के कम कर देंगे आँच। तो भाभी अभी रिकॉर्डिंग कर रही है, वो दिखाएंगे आपको कुकर। और वो अब
आप दिखा दो थोड़ा अब क्या बता इधर का, इधर का तो दिखा दिया था, तो ऐसी दबा दो। अब ये केक बेक हो रहा है, अब देखते हैं कैसा बनता है। एक और वीडियो बनाया था हमने, उसमें कढ़ाई में बनाया था रेत रख के केक को, वो उसकी भी क्लिप्स डाल देंगे। वो भी ठीक ही बनाता है पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। वो हम फूफू के यहाँ ले गए थे बली उली बना के। ये भाभी देख रही हैं अभी केक को कि उसकी आँच कम करनी होगी तो लकड़ियाँ नीचे कर देते हैं, वो तरीका होता है आँच कम करने का। और हाँ ऐसे लगा देते हैं लकड़ी, और ज़्यादा अंगारे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और फूफू जी को हम सिखा रहे और धुआं भी हो रहा है यहाँ। तब तक हम फूफू जी से पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लगा केक बनाने की, जो हमने प्रोसेस बताई, विधि बताई, तो कैसा, इजी है कि ठीक है? हाँ तो ठीक, आप ट्राई करोगे ना नेक्स्ट टाइम? हाँ। तो हमें जरूर वीडियो भेजना। अच्छा। उसका जब आप बनाओगे। हाँ, मैं जब बनाऊंगी ना वीडियो। हाँ, अच्छा। फोटो भी साथ में केक की। फूफू को पसंद है केक मैं लाती हूँ फूफू के लिए बना के। ये हमारे तौल हैं किचन में, तो ये पहले क्या करते थे फूफू, गाय के लिए ही ना ये तांबे वाला तौल है और ये पीतल वाला। अब तो ये ऐसे ही पड़े हैं, ये पानी गर्म करते हैं हम इसमें। पहले क्या होता था, गाय के लिए बना रहे थे उसमें पीने के लिए पानी देते हैं। अच्छा, देते थे गाय को। अच्छा, पीने के लिए रहते थे कि नहीं थी पहले, तो इससे ही पीसते थे आटा, गेहूं। हाँ। गेहूं से पीसते थे, मंडवा का आटा इसी से पीसते थे। हाँ। गाय के लिए। हाँ। जिसको जो बोलते हैं। हाँ। तो उसको भी इसी से पीसते थे गाय के लिए। अच्छा। हाँ। इसको ऐसे घुमाते थे। तो ये ऐसी अब हमारे पास है, रखी हुई है पहले की। तो ये बहुत, इसका ये ऊपर वाला पत्थर तो बहुत भारी है, नीचे वाला फिर भी थोड़ा हल्का है। यहाँ तक इससे नीचे पहले वो यहाँ तक है इतना ऊंचा। अच्छा, चिड़ाई करते थे उसके ऊपर, इसको रखते थे फिर उसके ऊपर रखते थे। अच्छा, तब ये ऐसे है और इसमें यहाँ से अनाज डालते हैं, यहाँ से अनाज डालते थे और इसको घुमाते थे, घुमाते थे तब इस रास्ते से निकलता था बाहर। हाँ, छोटे में हमने भी देखा है, दादी हमसे करवाती थी ना, तो ऐसे हम डालते थे फिर निकलता था। खेल खेल में हम भी इसे कर घुमाते रहते थे। तो अभी हमने ये वैसे चूल्हे वाली किचन शौक शौक में बनाई है। इसे वैसे क्या बोलते है, इसमें बैठते भी नहीं, इसके ऊपर बैठते भी नहीं। क्यों? ये इसको वो मानते है भैरव बाबा। अच्छा, देवता है। अच्छा, तो इन पे, हाँ, इस पे बैठते नहीं, बता रही थी। तो इसलिए हमने इसके ऊपर ये रखा है। हाँ, तो इस पे ये, इसलिए हम, ताकि कोई बैठे नहीं तो हम ऐसे रख देते हैं इसके ऊपर कोई चीज, कि कोई बैठे नहीं तो कुछ रख दिया इसके ऊपर ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता है। ये पहले होते थे, इन्हें क्या बोलते हैं, डिगची, डिबली। हाँ, तो ये डिबली होती है जो अब तो गंदी हो रही है अंदर से, ये डिबली है नीचे वाली। तो इसमें दाल बनाते हैं, बनाते थे, अभी तो वो अंदर से गंदी हो रही है। और पहले टोकरियाँ ऐसी आती थी, ऐसी होती थी, अभी इसमें मिर्च रखी हुई है हमने रोटी निकालने के लिए। हाँ, रोटी निकालने के लिए रोटी बना के इसी में रखते थे पहले। अच्छा, अरे तो ये अभी केक हो रहा है, इसको चेक भी करना है 10-15 मिनट बाद। हाँ। चेक करते रहना आप। और हाँ, ये वाली आँच बिल्कुल ठीक है, तो उसको, हाँ, अभी ठीक है। ये वाली आँच जो है ये कम है, ये सही है। और अंगारे ज्यादा और थोड़ा सा जल रहा हो वो भी सही है। ये कुकर तो खैर हमारा चूल्हे का ही है, काला हो गया। बोलो, कुछ कह रहे थे आप? अच्छा, चलो अब फिर देखते हैं कितना बनना है। और कुछ नहीं है दिखाने के लिए? इसको नहीं बोला बंठा को। हाँ, ये हमारा बंठा है, पंदेरे से पान लाते हैं इसको भर के। हाँ, पंदेरे से। हाँ, गर्दन हिलती है, मैं तो कभी नहीं लाई गर्दन। ऊपर डिल्ला रखते हैं सर पे। हाँ, सर पे डिल्ला रखते हैं, एक कपड़े का बनाते हैं, चुन्नी को रोल रोल करके फिर ऐसे मोड़ देते हैं, फिर सर पे रखते हैं, फिर ये ले जाते हैं, फिर ये बंठा रखते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हम तो बंठा बोलते हैं। नहीं, वो जो सर पे रखते हैं डिल्ला, डिल्ला ही बोलते हैं। तो वो उसमें लाते हैं, तो हम घास तो ले आते थे हम,
दाल भी ला रखी नानी के यहाँ ना, पर बंठा नहीं लाया, इससे ना गर्दन हिलती है इसको सर पे रखा हुआ है पास में ही था ना पानी तो लेके आ जाते थे। एक वो जो कभी दीदी और का था वो तांबे वाला, उसे क्या बोलते हैं जो लंबी सी कलसा, हाँ कलसा वो, तो आप ये तो गागर होती है ना, ये तो गागर, ये गागर हाँ, तो वही तो जब पहले जो हम आप पंदेर वाला वीडियो देखोगे तो उसमें हमारे यहाँ के जो पंदेर हैं तो नागदन में लाइन से लगे रहते थे सबके, सबके बंठे जो हैं लाइन से लगे रहते थे। एक बार तो हमने पानी भी चोरी किया था कभी दीदी और के कलसे से वो हाँ दिन था ना पानी खत्म हो गया था, अभी हमने उसमें से लाए। चलो यही है, अब हम इसको खोल के देखेंगे, अभी 15 मिनट हो गए हैं तो हम इसे थोड़ा खोल के देख लेंगे कैसा बना है। ठीक है, सीटी मत लगा देना, ऐसा हो रहा है, ठीक है अभी बन रहा है, बाद में हम इसे चेक करेंगे सेंटर से करते हैं, अब इसे पकने देना है ऐसे ही। अब टोटल 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट बाद देख रहे हैं तो गर्म हो रहा है। हाँ ये अच्छा सा तो फूलने लगा, अब देखो ये ऐसे फूलने लगा है, थोड़ा क्लोज भी दिखा दूँ, ऐसे ये फूलने लगा है। अब चेक कैसे करते हैं केक को देख लेना, चेक करने के लिए इसके बीच में ऐसे छेद करना है और घुसा के देखना है, तो ये गीला आ रहा है तो इसका मतलब ये पका नहीं है, जब कुछ भी नहीं आएगा इसका मतलब पक गया है। अगर टूथपिक है आपके पास तो उसको घुसा के देखना, हमारे पास नहीं है अभी यहाँ तो यही देख रहे हैं, अभी इसे हम और पकाएंगे, अभी नहीं पकाइए, कुछ बोलना तो नहीं और बस चेक कर लेंगे। अब फिर हीट अभी थोड़ा दे देते हैं, सिम समझ लो, अगर आप गैस में बना रहे हो तो सिम में रखो, सिम चूल्हे में बना रहे हैं आप, गैस पे भी बना सकते हो, तो 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट या 45 मिनट लगेंगे, तो हम अभी चूल्हे पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम गैस बचा रहे हैं, हम कभी कभी आते हैं तो गैस वेस्ट नहीं कर रहे। और ये जितनी भी लकड़ी दिख रही है ये हमारा जो पहले का मकान था जिसका वापस से कंस्ट्रक्शन कर रहा, सारी वहीं से निकल रखी। हाँ पहले ये अंगारे जो होते थे इसके अंदर ना, ये जो जितने भी अंगारे बन रहे हैं ये बहुत काम आते थे, दादी हुक्का पीती थी तो उसमें यूज़ हो जाते थे तब, पर पापा से डरती थी ना दादी, हुक्का नहीं पीती थी, तब जब पापा ऊपर चल जाते थे खाना खा के तब आती थी नीचे। अच्छा। बस यही। और ये चप्पल बाहर उतारते हैं चूल्हे में, चप्पल पहले से ही लेके नहीं आते थे, अंदर नहीं आने देते हमारे उसमें चप्पल, क्यों नहीं ले, वैसे उसका रीजन क्या होता होगा चूल्हे वाले, तो इनको बाहर ही रहने दो, अंदर तब जाओ चप्पल उतार के। अच्छा पाँव धोते चप्पल पहनते हैं, अभी दोबारा बोलो अब चप्पल, अरे हमने चप्पल बाहर उतारी है ये आपको फूफू जी बताएंगे क्यों, इसलिए उतारते हैं चप्पल बाहर कि हम बहुत इधर उधर से चल के आते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए किचन, आग को भी वही अग्नि अग्नि किचन हो गए तो उसमें तो चप्पल लेके आ जाते हैं, पहले हम तो छोटे में ऐसे ही करते थे बाहर निकालते थे अंदर आते थे, पाँव भी धोते थे कि चप्पल पहने के लेकिन पाँव भी धो। अच्छा तभी अंदर जाना है। अच्छा और क्या बता सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, हाँ ये केक है तो अब ये पक गया है देखने के लिए मक्की, अब इसको हाँ ये केक रेडी हो गया है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे किया मैंने सेंटर में और ये चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है, साइड में भी देख सकते हो यानी रेडी हो गया है केक। तो वैसे अभी मुझे कुकर का बेस्ट लगा, कुकर में सही बन रहा है, एक वीडियो में हमने कढ़ाई में बनाया था तो नीचे थोड़ा सा जला था तो उसकी भी क्लिप डाल देंगे। तो हमें टोटल कितना टाइम लग गया, 40 मिनट्स तो लग गए, 45।
तो चूल्हे में 40 से 45 मिनट्स में केक बन जाता है। बीच बीच में चेक भी कर सकते हो। आ रही है आपकी आवाज, बोल दो। नहीं तुम ही बोल दो। अच्छा, बीच बीच में आप चेक कर लो 15-20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद तो करना ही है चेक कि कैसा बन रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, बस बंद कर दो। सही ना? तो अब हम इस केक को निकालने के लिए ऐसे चिमटा ले लेंगे और ऐसे करके केक को निकाल दिया। नीचे वो था हमारा स्टैंड वाला जो सिस्टम था, ऐसे अजय जला भी नहीं है। और जला भी नहीं है, कुकर खराब भी नहीं हुआ है। कुकर को हटा दो। और ये केक है तो ना रहने। अच्छा कुछ होगा तो नहीं। तो ये अब केक बन चुका है, आपको फिर से दिखा देते हैं चेक करने के लिए। ऐसे करना है और ये बिल्कुल नीचे पक रहा, इसका मतलब रेडी है केक। अब उसको पलट दो अगर पलट नहीं। मुझे लग रहा अब इसको 5 मिनट्स बाद पलटेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना ऊपर का ये वाला, तब हम पलट लेंगे इसे। तो अब हमें केक को पलटना है, प्लेट में पलटेंगे उसे। 5 मिनट बाद पलटना है, एकदम उसमें नहीं, गरम में नहीं पलटना। तो उससे पहले क्या कर लेना है, कोने में ऐसे ऐसे करके लूज कर लेना है थोड़ा सा, ऐसे ये लूज हो जाएगा। इसके बाद में जो प्लेट है इसको केक के ऊपर ऐसे रख देनी है। हाँ गर्म हो रहा है, रुक जाओ, गर्म हो रहा है। कैसे करें? हाँ ये जो प्लेट है इसको इसके ऊपर रख देना और एकदम ऐसे फ्लिप कर देना आगे। ऊपर से थोड़ा ऐसे मार दिया ताकि वो निकल जाए। अब ये ऐसे आ गया, इसमें से हल्का वो निकल गया। अब ये ऐसे आ गया। अब रुक जाओ, अब ये ऐसा आ गया, इधर से दिख नहीं रहा। तो ये केक फरफरा हो गया। आज मुझे लगा घी कम तो नहीं, वो तेल आज ठीक है वैसे। उस दिन थोड़ा तेल ज्यादा हो गया था शायद। तो ये इस तरीके से केक हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर में सीधा कर लेंगे, ठंडा हो जाएगा जब इसका शेप ही ऐसे हो जाएगा। अब बताओ आग फूकने वाला। हाँ ये बस तो लिया है, ये भी बहुत साल पुराना हो गया ना, जब हम छोटे थे। पापा कह रहे हैं ये जो तवा है ना ये भी 62 साल पुराना होगा, बहुत भारी है, 2 किलो का लगता है। दादी की मार का है। अब इससे ना फूक मारते हैं। ये दिख रही है ना जल रही। तो अभी जल गया, अब हम दूसरा केक रख रहे हैं इसमें बनने के लिए। दिखा, अब हम दूसरा रख रहे हैं केक बनने के लिए। हमने दूसरा केक रख दिया है। कल फूफू जी जा रही हैं अपने गांव, नहीं कल फूफू जी अपने ससुराल जा रही हैं, तो लेके जाएंगे केक और हमें बताएंगे फिर खुद बना के कैसा बनाए केक। चलो अब हम इसे फ्लिप करेंगे, ये वाला। अब ये ठंडा हो गया, अब हम इसको ऐसे फ्लिप कर लेंगे आगे, है ना। तो ऐसे केक बन जाएगा, यहाँ से ऐसे मोटा है और ऐसे दिखेगा। तो आप चाहो तो आटे का केक भी बना सकते हो, आटा नहीं यूज़ करना तो मैदे का केक भी बन सकता है और कुआदू के आटे का केक भी बन सकता है। तो उसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है, देख लेना। और भी अगर कोई केक, सब केक बन जाएंगे कुकर में ऐसे। तो अब ऐसा नहीं है कि गांव में है तो हम केक नहीं खा सकते, गांव में हम केक भी खा सकते हैं। तो कोई रेसिपी देखनी हो फ्यूचर में तो देख लेना आप, केक की डालूंगी मैं।